नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। अस्पताल में भर्ती एक युवती के साथ छेड़खानी करने के मामले में पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ये दोनों आरोपी वार्ड बॉय हैं। मामला संयोगितागंज थाना क्षेत्र का है, जहां स्थित एमवाय अस्पताल के चेस्ट सेंटर में एक युवती को भर्ती कराया गया था, जहां 4 और 5 मई की दरमियानी रात में दो वार्ड बॉय ने लाइट बंद कर युवती के साथ गंभीर अश्लील हरकत करने का प्रयास किया। बताया गया कि दोनों वार्ड बॉय यूजीएस कंपनी से जुड़े हुए थे। वहीं शिकायत के बाद दोनों आरोपी फरार हो गए, जिसके बाद पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया। इसमें एमओएच हॉस्पिटल में जो चेस्ट वार्ड है उसमें जो है एक महिला है, कोविड पेशेंट है, वो भर्ती हैं, और करीब रात को इसमें 4-5 तारीख की दरमियानी रात को जो वार्ड बॉय हैं, दो लड़के हैं, ये यूडीएस कंपनी है, यूडीएस कंपनी से इनको वहाँ पर ठेके पर लगाया गया है। इन्होंने चेस्ट वार्ड का वो पूरे वार्ड की लाइट बंद कर दी और महिला के साथ गंभीर रूप से छेड़छाड़ करने का प्रयास किया। उसको लेकर के जो है अस्पताल प्रशासन ने FIR दर्ज कराई है, पुलिस ने मामला कायम कर लिया है और पुलिस दोनों आरोपी फरार हो गए थे, पुलिस ने उनको गिरफ्तार कर लिया है और गिरफ्तार करके उसमें जो अग्रिम कार्रवाई है वो की जा रही है। सर, पहले भी देखा गया है कि एमवाईएस के अंदर जो भरते हैं इनको यूडीसी वाले कर्मचारियों को, उनका वेरिफिकेशन नहीं होता है और कई चक्कर ऐसे मामले आते हैं कि बर्बाद रहते हैं। नहीं, इसमें जो है ये हम लोग बोल रहे हैं, इसमें हॉस्पिटल प्रबंधन को और जितने भी ये प्राइवेट ठेके पे रखे गए हैं उनका सबका जो पुलिस वेरिफिकेशन है वो करवाया जा रहा है कि उनका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड तो नहीं है। सर, ये दो आरोपी पकड़ा, ये किस पद पे थे ये वार्ड बॉय के पद में थे? नहीं, ये UDC कंपनी है, UDS कंपनी है, उसकी तरफ से ठेके पे लगाया गया था इनको वार्ड बॉय। टाइम न्यूज देखिए अब आपके मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर लाइव प्ले स्टोर से डाउनलोड करें।